मैं अमित चौहान राजकीय इंटर कॉलेज जामपुर जनपद बदायूं एक बार फिर आपके साथ हूँ। और अपनी पिछली कक्षाओं में हमने हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता के बारे में बहुत कुछ अध्ययन किया। जितने भी जैव प्रोग्राम हैं उन सभी प्रोग्रामों में जनरल प्रोग्राम यानी रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम सभी जीवों के लिए। न केवल उसमें जीवों की उत्पत्ति सम्मिलित है बल्कि जो अगली पीढ़ी जो पैदा हो रही है, अगली जो संतति आ रही है, ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं, उसमें प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन, वेरिएशन सब आगे जाना भी सम्मिलित है। और उस सबका अध्ययन हमने अपनी पिछली कक्षाओं में किया है। आज हम अध्ययन करेंगे सेक्स डिटरमिनेशन यानी लिंग निर्धारण। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि पिछला जो हमने अध्ययन किया है उसके बारे में एक बार जल्दी से क्विक रिव्यू किया जाए। तो हमने ये देखा था कि हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता, इसमें जो नई ऑफस्प्रिंग आ रही है यानी जो संस्कृति आ रही है उसमें मेल और फीमेल यानी जो जनक है उन दोनों का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगर एक बालक हम देखें तो उसमें देखेंगे कि उसमें कैरेक्टर 50% पेरेंट्स से मेल पेरेंट और 50% फीमेल पेरेंट्स हैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं हम, जैसे कि फादर की हाइट और मदर की हाइट में काफ़ी वेरिएशन है लेकिन जो ऑफस्प्रिंग है उसकी हाइट दोनों की एवरेज है, यानी हम कह सकते हैं हाइट का कैरेक्टर फादर से है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि जो डीएनए जो इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं वो सम्मिलित होकर मिश्र होकर यानी निषेचन प्रक्रिया के बाद में ऑफस्प्रिंग के अंदर आते हैं। और अगर ध्यान से देखें तो इसके चेहरे में यानी मदर और ऑफस्प्रिंग के चेहरे में जो समानता है वो भी ये प्रदर्शित कर रही है कि दोनों जनकों का ऑफस्प्रिंग के अंदर पूरा पूरा 50% हाथ होता है। इसी चीज को अगर हम और ध्यान से देखें तो हमें बताया कि ह्यूमन क्रोमोसोम 44 पेयर्स होते हैं, 44+2 क्रोमोसोम्स होते हैं, 44 ऑटोसोम, 44 ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम। तो जब स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है यानी निषेचन की प्रक्रिया होती है तब हम कह सकते हैं कि ये जन्म की प्रक्रिया कंप्लीट हुई है और इसी के द्वारा क्रोमोसोम की संख्या डबल हो जाती है यानी वैसी की वैसी हो जाती है। इसको हम और ध्यान से समझें तो हम कह सकते हैं कि 44 क्रोमोसोम अगर पूरे पेरेंट मेल पेरेंट से आ जाएंगे और फीमेल से भी 44 आ जाएंगे तो सिस्टम खराब हो जाएगा। खराब होने का मतलब मियोसिस की प्रक्रिया द्वारा जब ये 46 आधे हो जाएंगे तो आधे मेल पेरेंट्स हैं और आधे फीमेल पेरेंट्स हैं और कंप्लीट जो 44+2 का जो काउंट है वो 46 कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब हम देखते हैं कि मेंडल ने आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन बच्चों में आपसे पूछना चाहता हूँ कि जेनेटिक्स के फादर का क्या नाम है और आप में से बहुत लोग बहुत सही सोच रहे हैं जी जे मेंडल, बट कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जी जे मेंडल की जगह आपको ग्रेगर जोहान मेंडल पूरा नाम याद करना पड़ेगा, यही सही नाम है। और ध्यान रखिए जॉन नहीं है, जोहान है, जे ओ एच ए डबल। चलिए तो आज हमें अध्ययन करना है सेक्स डिटरमिनेशन, उसको अध्ययन करते हैं। सेक्स डिटरमिनेशन बच्चों अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से हो सकता है क्योंकि हमारे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उनका हैबिटेट अलग है। उनके हैबिटेट अलग है, उनका रहन सहन, उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, तो इसी प्रकार उनके सेक्स डिटरमिनेशन के जो सिस्टम है वो भी बहुत अलग है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हमने देखा है कि जो सरीसृप होते हैं यानी रेंगने वाले जीव जंतु, रेंगने वाले जीव जंतु में हमने देखा है कि जो कछुए हैं, मगरमच्छ हैं, इनमें सेक्स डिटरमिनेशन वातावरण के तापमान के ऊपर आधारित रहता है। और जो स्नेल्स होते हैं यानी खेंगा, जो छोटे छोटे स्नेल्स आपने देखे होंगे शंख वाले कीड़े जिन्हें हम कहते हैं, उनमें सेक्स डिटरमिनेशन अनुवांशिक नहीं होता। मतलब हम कह सकते हैं कि उसमें सेक्स डिटरमिनेशन अनुवांशिक न होने का मतलब कि उसमें पेरेंट्स यानी जो उसके जनक हैं उनमें अनुवांशिकता का यानी उनके अंदर से मेल या फीमेल होने का कोई कारण नहीं, वो अपनी इच्छा से स्वेच्छा से मेल या फीमेल बन सकते हैं।
ठीक इसी प्रकार जैसे यहाँ पे आप क्रोकोडाइल देख रहे हैं, अभी आगे आपको समझाया, इसमें अंडे आपको पता है कि बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे देते हैं, और ये अंडे जब जमीन पे गाड़ जाते हैं तो टेम्परेचर जब 28 डिग्री से कम होता है तो मेल होते हैं, और जब 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो फीमेल होते हैं। प्रश्न ये भी उठता है कि सर अगर बीच में टेम्परेचर रहता है तो क्या होगा, वेरी गुड क्वेश्चन। तो बीच में अगर टेम्परेचर रहता है यानी बिटवीन 28 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस, देन जो आधे अंडे होंगे वो मेल बनेंगे और आधे अंडे फीमेल। और ये कैसे डिसाइड होगा, ये जितनी सतह के ऊपर रहेंगे यानी टेम्परेचर जितना जहाँ पे कम रहेगा वो मेल, और जितना नीचे की तरफ रहेंगे वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा यानी फीमेल। यही आगे हमने आपको बताया था कि स्नेल में होता है, स्लीपर स्नेल यानी गैना, इसमें भी अपनी स्वेच्छा से ये मेल या फीमेल बन सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि मानव यानी हमारे घर ये सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तो हमें पता है इसके पीछे गुणसूत्रों का रोल होता है। गुणसूत्र जो कि ये निर्धारित करते हैं कि जीन, अब क्योंकि यहाँ पे जीन आई है तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में जीन की परिभाषा भी समझी थी। तो क्रोमोसोम के ऊपर वो विशेष स्थान जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है यानी प्रोटीन का संश्लेषण करती है एक पर्टिकुलर, उसे हम लोग जीन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारी अंकुकरण वो एक अलग जीन के लिए, उसके लिए एक अलग जीन रेस्पॉन्सिबल है। ठीक उसी प्रकार हमारे बालों का रंग, हमारा शॉर्ट स्टेचर यानी नाटापन या हमारा लॉन्ग हाइट, ये भी ठीक इसी प्रकार जैसे कि ये मेल और फीमेल हमने स्टार्टिंग आपको पिछली कक्षाओं में बताया था। और अगर हम सेल के अंदर देखें तो ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, और यहाँ पे जो ये रेड और ब्लू क्रोमोसोम है ये शो कर रहे हैं कि जो 44 क्रोमोसोम थे यानी 22 पेयर जो क्रोमोसोम थे वो सब सेम होते हैं, सिमिलर। देख लीजिए ब्लू एंड रेड यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है ये दिखाने के लिए कि सभी सेम हैं, यानी ब्लू वाले मेल पेरेंट्स से हैं और रेड वाले मेल पेरेंट्स से हैं। सिर्फ एक पेयर क्रोमोसोम जो अलग होता है उसी की वजह से ये लिंग निर्धारण होता है यानी सेक्स डिटरमाइंड होता है, एक्स एक्स और एक्स वाई। और वो कैसे होता है, वो ऐसे होगा कि एक्स एक्स क्रोमोसोम तो फीमेल के लिए है, यानी जब एक्स दो एक प्रकार के एक्स मिलेंगे तो वो फीमेल क्रोमोसोम कहेंगे, फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन वहीं अगर एक बड़ा एक्स और एक छोटा एक्स जिसे हम एक्स वाई भी कह देते हैं तो उसे हम कहेंगे कि ये मेल क्रोमोसोम यानी मेल होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं ये एक्स एक्स यानी फीमेल सेक्स क्रोमोसोम, और एक्स बड़ा और एक छोटा एक्स जिसे हम वाई से बिलोंग करते हैं, एक्स वाई यानी मेल क्रोमोसोम। अब ये इसी डिफरेंस के कारण हम लोग ये कहते हैं कि एक्स वाई मेल क्रोमोसोम है और एक्स एक्स फीमेल क्रोमोसोम। चलिए कोशिश करके देखते हैं कि एक एक्सरसाइज से अगर हमें इसे देखना हो कि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो हम इसे कैसे डिनोट करेंगे, दिखाएंगे कैसे, डेबिट कैसे करेंगे कि कैसे ये सेक्स डिटरमिनेशन होता है। इसी मीनवाइल में आपको एक चीज़ और बता दूँ, सेक्स डिटरमिनेशन हम थ्योरेटिकल तो पढ़ते हैं बट फिजिकल तौर पे हम कभी सेक्स डिटरमिनेट नहीं कर सकते, ये एक गैर कानूनी प्रक्रिया है। किसी का भी लिंग पता करना बच्चे का भ्रूण का वो एक गैर कानूनी कार्य अपराधिक है, ये हम केवल थ्योरेटिकल समझते थे, ये एडिशनल नॉलेज है एडिशनल आपके लिए। अभी देखते हैं इसे बनाकर अगर हम कॉपी पे करना चाहें तो इसे कैसे करेंगे, कैसे सेक्स डिटरमाइन करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम देखेंगे कि हम एक मेल लेंगे और हमें पता है कि मेल क्रोमोसोम मेल को हम किससे डिपेंड करते हैं, मेल को हम डिपेंड करते हैं एक्स वाई से और फीमेल को डिपेंड करते हैं एक्स एक्स से। अब क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो सबसे पहले हम एक गैमेट यानी युग्मक बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लेंगे एक्स वाई और यहाँ पे एक्स लेने से ही क्योंकि कॉमन है। अब जब हम इनके गैमेट्स बनने के बाद में आगे इनका जायगोट बनेगा, जायगोट मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रक्रिया होती है, तो उसमें हम देखेंगे कि एक एक्स क्रोमोसोम मेल पेरेंट्स से आया और एक फीमेल पेरेंट्स है, तो ये बना एक्स एक्स। ठीक इसी प्रकार अगर इस कंडीशन को देखें तो ये एक्स और वाई का निर्माण करें, ये आगे ऑफस्प्रिंग्स यानी संतति यानी अगली पीढ़ी।
अब यहाँ पे मैं देख रहा है कि दो पॉसिबिलिटीज में एक फीमेल पॉसिबिलिटी बन रही है और एक मेल पॉसिबिलिटी, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 50% चांसेस है, 50% चांस ऐसे हैं कि लड़की हो या 50% चांस होते हैं कि लड़का हो। इस प्रकार से हम लोगों को अपने प्रश्न पत्रों में भी अगर लिंग निर्धारण का प्रश्न आता है तो सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा और हम कहेंगे कि 50-50% चांसेस रहते हैं। यहाँ पे एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आप लोगों ने ध्यान नहीं दी होगी वो ये है कि पूरा मेल पर निर्भर करता है, अगर एक्स क्रोमोसोम एक तो मदर से आना ही है यानी फीमेल पेरेंट से आना है, लेकिन जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम है यही डिसाइडिंग फैक्टर है, यानी मुख्य यही तत्व निर्धारित करते हैं कि फीमेल होना है आगे या फिर मेल। देखिए क्योंकि ये एक्स तो मदर से आ गया लेकिन ये एक्स अगर जाता है तो फीमेल और अगर ये वाई चला जाता है तो मेल, इसलिए हम कहेंगे कि मेन फैक्टर फॉर सेक्स डिटरमिनेशन यानी मेल सेक्स डिटरमिन करने के लिए यानी लिंग निर्धारण के लिए मुख्य जो है वो मेल रेस्पॉन्सिबल यानी नर पेरेंट रेस्पॉन्सिबल है। अब बच्चों जब ये क्रॉसओवर ये सब चीज़ें होती हैं तो कई सारे एडिशन डिलीशन भी होते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, तो जिन बच्चों को और ज़्यादा जागृति है ये और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं उनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि कक्षा 11 और 12 की बायोलॉजी की बुक्स रेफर कर सकते हैं फॉर फर्दर स्टडीज आगे पढ़ने के लिए, और उनमें आप देखेंगे कि जो स्टार्टिंग में आपको यार 50% हमने बताया था वो 50% कैसे होता है, यानी जो मियोसिस की प्रक्रिया है जो इस वक्त आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आगे जरूर आएगी उसको आप अध्ययन कर सकते हैं डिटेल। तब तक के लिए